तो हेलो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से रिक्रूटमेंट आया हुआ है, मतलब बहुत बड़ा नंबर ऑफ वैकेंसी आया हुआ है इसमें। इसलिए जो भी डिप्लोमा एंड जो भी मैकेनिकल एंड फिटर वाला मतलब कि आईटीआई वालों का तो काफ़ी ज़्यादा आया, मतलब हर एक का ज़्यादा ही पोस्ट है। तो आप लोग देखो कौन कौन सब पोस्ट पे है वैकेंसी। बीएससी वालों का भी, जो नॉन टेक वालों का भी है, बीटेक वालों का भी है, आईटीआई वालों का भी, डिप्लोमा वालों का, इसलिए आप लोग सबका है। तो इसलिए आप लोग हर एक इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर फिलिंग अप ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट इन वेरियस यूनिट DAE, क्लिक हियर टू अप्लाई। अप्लाई का लिंक यहाँ पर है, मैं ऐसे ही अप्लाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आपका 24 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। ये तो देख, ये जो 22 में लास्ट डेट, ये लास्ट डेट अप्लाई का है। तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके मैं चलो बताता हूँ, ये 24 अप्रैल से स्टार्ट होगा। सबसे फर्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर नोटिफिकेशन को देखो, फर्स्ट मैं बात करूँ तो इसका अप्लीकेशन ऑनलाइन ओपनिंग का डेट है स्टार्ट, वो 24 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 24 अप्रैल से लिंक मैं दे दूंगा, वही लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो इसका फॉर्म फिलअप 22 मई तक चलेगा। तो देखो टू टाइप का रिक्रूटमेंट है, ये आपका देखो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू है, मतलब कि स्टेपेंडरी ट्रेनिंग के रिक्रूटमेंट है, दोनों परमानेंट बेसिस पे है। तो फर्स्ट जो है वो देखो यहाँ पर सबका पे स्केल यहाँ पर दिया हुआ है, कितना कितना देगा टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट पे। इसमें आपका एमएससी वाले एंड बीटेक वालों के लिए है। तो ये पोस्ट आप लोग देख लेना, मैकेनिकल का भी है, केमिकल वालों का, सबका पोस्ट है यहाँ पर देख लो। तो मैं मेन बात करूँगा स्टेपेंडरी ट्रेनिंग का, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसी में भरने वाले हैं। यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट्स का है। चलो मैं स्टेपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 का पोस्ट की बात करूँ, इसमें फाइन ये जो 2 ईयर डिप्लोमा भी एलिजिबल है, जो केमिस्ट्री वालों का है, ये जो बीएससी केमिस्ट्री वालों का है, तो फिजिक्स का भी है। फिजिक्स आइजा आपका बीएससी फिजिक्स है आइजा, मतलब कि ये मेजर सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। फिर कंप्यूटर साइंस वालों का भी है, एग्रीकल्चर बीएससी वालों का। चलो मैं डिप्लोमा का पहुँच जाए, डिप्लोमा ये जो है केमिकल, डिप्लोमा से केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सबका पोस्ट देखो कितना है टोटल नंबर ऑफ, काफ़ी अच्छा। इलेक्ट्रिकल का भी 144 टोटल पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक का भी देखो, एंड मैकेनिकल की बात करो, देखो मैकेनिकल डिप्लोमा इन मैकेनिकल वालों का देखो यार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 328 है, काफ़ी ज़्यादा है। देख रहे ना, सबसे ज़्यादा इसी में आई थिंक है। फिर देखो ये डिप्लोमा हो गया, फिर आईटीआई की बात करूँ तो आईटीआई वालों का भी, आईटीआई में भी काफ़ी अच्छा जो है ना वो स्टेपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 आईटीआई वालों का, इसमें फिटर में देखो 698, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो आप लोग देख लेना अपना पोस्ट, मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, यही सब है। इसका मैं लिंक, सॉरी, इसका जो मैं पीडीएफ मैं आपका अपना टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहीं से आप लोग देख लेना। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड भी है, अगर मिनिमम दिया हुआ है 160 सेंटीमीटर हाइट एंड वेट है 45.5 kg ये। फिर रिलैक्सेबल भी होगा, अगर आप मेडिकली फिट है तो आपका कम भी वेट है या फिर हाइट है तो काम चल जाएगा। आज एंड एज रिलैक्सेशन भी आपका मिल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टेपेंडरी ट्रेनिंग वालों का मैक्सिमम 24 ईयर, कैटेगरी 1 का 24 ईयर मैक्सिमम, एंड जो भी कैटेगरी 2 का 22 ईयर है। एंड एज रिलैक्सेशन देखो यहाँ पर 3 ईयर ओबीसी को मिलता है, 5 ईयर एसटीएससी पीडब्ल्यूडी वालों का, 10 ईयर ये देख लेना। फिर सेलेक्शन जो प्रोसेस है ना वो सबका अलग अलग है। तो यहाँ कैटेगरी 1 का बात करूँ तो इसमें आपको रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एंड जो ये जो इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एंड जो कैटेगरी 2 आईटीआई वालों का तो 3 स्टेज पे होगा, एक तो प्री होगा, एडवांस होगा, फिर स्किल टेस्ट के बेसिस पे होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी। इसका मैं अलग से एक सिलेबस के पैटर्न वीडियो बना दूंगा। एंड हाउ टू अप्लाई का बता दूं तो यहाँ पर
देखो अप्लाई तो 24 तारीख से स्टार्ट होगा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अप्लीकेशन की फ़ी की बात करूं तो यहाँ देखो ये जो टेक्निकल ऑफिसर एंड साइंटिफिक असिस्टेंट्स इसका जो भी है 500 500 है टेक्निकल ऑफिसर का, फिर साइंटिफिक असिस्टेंट, फिर साइंटिफिक असिस्टेंट्स का 150 है, फिर टेक्नीशियन का 10 टेक्नीशियन बी का 100 है, फिर जो भी STSC PWD फैंड एंड वुमेन कैंडिडेट्स वालों को कोई फी नहीं है, फिर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 का देखो, कैटेगरी 1 का 150 है, फिर कैटेगरी 2 का 100 है, इसमें भी STSC वालों को कोई फी नहीं है। फिर एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ देखो काफ़ी मतलब कि हर एक सिटी पे दिया हुआ है एग्ज़ाम सेंटर, आप लोग देख लेना अपना सेंटर यहाँ पर हर एक है, पटना ये पटना वगैरह सबको नहीं देता है, बट इसमें पटना रांची राउरकेला मतलब कि हर एक जो भी सिटी है ना आप नियर बाय आप लोग दे देना, इसलिए काफ़ी अच्छा है, आप लोग दे दो इसका एग्ज़ाम। फिर सारा एडमिट कार्ड के बारे में है, तो इसका एग्ज़ाम भी काफ़ी जल्दी हो जाएगा, इसका अलग से मैं एक पैटर्न वीडियो बना दूंगा एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस के रिगार्डिंग, एक वीडियो ऐसे मैं पहले बना चुका हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड कुछ भी क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।